आज भी मैं समझता हूँ कि इंडिया में हम लोग इग्नोरेंस को फाइट कर रहे हैं, आइडिया को फाइट नहीं कर रहे हैं। आइडिया तो है, ज़बरदस्त है और डेफिनेट है, बट हम लोग इग्नोरेंस को फाइट कर रहे हैं। तो हमको क्या होता है कि हमको जाके लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई अब तारपोलिन का ज़माना गया, अब आप 20,000 स्क्वायर फीट में तारपोलिन रख के 2 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख प्रोडक्ट को मेंटेन नहीं कर सकते, आपको पैलेट रखना पड़ेगा। तो एक तो हमारी सेल्स की बहुत बड़ी टीम है, 50 लोगों की हमारी टीम है। तो हम, जैसे हमने आपको बताया कि मिलर हैमन थ्योरी फॉलो करते हैं, और हम चाहते हैं कि एक सेगमेंट है, जैसे हमने पानी का सेगमेंट पकड़ा हुआ है, तो हम दूसरा सेगमेंट नहीं देखते, पहले पानी के सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। तो जितनी भी जगह है हम उसको फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ जाके हम लोग उसमें अवेयरनेस लेके आते हैं कि हम कहते हैं कि देखिए कोक ये कर रहा है, बिस्लरी ये कर रहा है, पेप्सी ये कर रहा है, पेर्नोरिको कर रहा है, कार्ल्सबर्ग कर रहा है, अब जल नीर, रेल नीर सबको करना चाहिए। फिर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, हम बोलते हैं देखिए सब लोग वेयरहाउसिंग कर रहे हैं, आपका जो सेंट्रल वेयरहाउसिंग CWC है वो क्यों तारपोलिन पे रखा हुआ है? तो हम उनको भी एजुकेट कर रहे हैं, वो भी हमसे बात कर रहे हैं कि अब सब कुछ जाएंगे। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हम टीवी में आके इस चीज़ को बताएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये B2B मार्केट है और इसको लोग खा नहीं सकते, इससे नहा नहीं सकते, तो उससे फ़र्क नहीं। हमको ये 1-to-1 सप्लाई चेन डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के उनको हम ये चीज़ एक्सप्लेन करें।